जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज मैं जो बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही जरूरी ऐसा यूनिवर्स नंबर बताने जा वाली हूँ कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी सिर्फ एक नंबर को याद रखने में, एक नंबर को अपने सामने लिख के रखने से आपका कार्य तुरंत हो सकता है क्या? नहीं, आप शायद विश्वास ना करें। दोस्तों, इससे पहले मैं नंबर बताऊं, इससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। साथ ही लगता है आपको कि किसी के साथ शेयर करना है, तो अवश्य कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें अपने तक ही नहीं सीमित रखना, सबको सबके साथ बांटना चाहिए। दोस्तों, आज मैं नंबर की बात कर रही हूँ। आप लेफ्ट हैंड साइड, आपके शरीर के कोई से भी हिस्से में आप ग्रीन पेन से लिखें इस नंबर को। आप सुबह जब स्नान कर लेते हैं, उसके बाद ऐसी जगह भी लिख सकते हैं जहाँ कोई दूसरा ना देख सके। आप पैर के हिस्से में, कमर के हिस्से में, ऐसा कोई जगह लिख सकते हैं। यदि आप गृहिणी हैं, महिला हैं, तो आप किचन में अपने प्लेटफॉर्म पर, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नज़र पड़े, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आप अपने, यदि लैपटॉप से कार्य करती हैं तो आप उसकी स्क्रीन पर डाल कर रख सकती हैं। यदि आप मोबाइल आपके हाथ में दिन भर रहता है, तो मोबाइल की स्क्रीन पर डाल के रखिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आप अपने टेबल पर लिख के रख सकते हैं। आप पुरुष हैं, तो आप अपने पर्स में एक वाइट कागज पर लिख के रखिए। यानी आप जिस तरीके से भी इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा, और बोलिए, मन ही मन इसे बोलते रहिए। आप देखना, आपको बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना है, बहुत बड़े कार्य में सफल होना है। आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आप अपने भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद तो लेते ही होंगे। ये तो सामान्य सी बात है कि हम जब भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं और सफलता चाहते हैं, तो हम अपने घर के बड़ों का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। वह तो लीजिए, लेकिन साथ ही इस नंबर को मन ही मन बोलते हुए निकलिए। अब देखना, अब वापस आएंगे तो सफल ही होके आएंगे, असफल होने का तो विचार ही आपके दिमाग से निकाल देना चाहिए आपको। बस यह है कि कोई भी कार्य यदि आप पॉजिटिव होके करते हैं, आपके जो शरीर की तरंगे होती हैं, जो यदि आप पॉजिटिव रहते हैं और जो शरीर की तरंगे हैं, तो वैसा ही कार्य करती है आपको, उस क्षेत्र में आपको सफल ही करवाती है। आप कभी करके देखना, यदि आप बच्चे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और आपको कुछ भी याद नहीं है, और आप वहाँ सोचते हैं कि नहीं, मुझे, मैंने पढ़ा था, मुझे याद है, मैं कर सकता हूँ, आप जो भी लिखेंगे उसमें 100% नहीं तो 40-50% तो सही निकलेगा ही, क्योंकि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वह कार्य कर रही है। यदि आपने खूब पढ़ के भी रखा है, खूब मेहनत भी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने पूरी रात भर पढ़ा है, यदि आप वहाँ जाकर एग्जाम हॉल में बैठकर यदि आप सोचते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सब भूल चुका हूँ, देखना आप सच में सब कुछ भूल चुके होंगे, कुछ भी याद नहीं। आप लिखते समय आपको पसीने छूट जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो तरंगे इसके लिए कार्य करती हैं। बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। अब मैं आपको नंबर बता दूं, नंबर है 1176। इस नंबर, ये एंजल नंबर है, यूनिवर्स नंबर। आप इस नंबर को जहाँ भी लिखकर रखते हैं, अपने साथ हमेशा रखिए, बहुत ही पॉजिटिविटी है इस नंबर में। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं कि सफल ही होना है, या आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस के कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको लगता है मुझे इस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, आप उस नंबर को लिखकर, वाइट पेपर पर लिखकर अपने जेब में रख लीजिए, और या अपने बॉडी पे कोई भी पार्ट्स पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, और साथ ही एक दो बार बोल लें जब निकलें, जब घर में बोल के निकलें, और मन में कभी भी ध्यान आ जाए वहाँ तक पहुँचने तक, एक दो बार और मन में याद कर लें। आप देखना कितना ज़्यादा आपको फायदा होता है। कई लोगों ने बताया सिर्फ इस नंबर को उस समय बोलने से, याद करने से हमें लाखों रुपए प्राप्त हुए हैं।
आप भी कर कर देखें, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।